ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा ने शुक्रवार को डीसी ऑफिस के बाहर नोटबंदी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जहां कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को कोसा, वहीं प्रदेश सरकार के खिलाफ भी जमकर हल्ला बोला। धरने के बाद कांग्रेस ने डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भी भेजा। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नीरज नैयर ने की। धक्का दो हरिद्वार को, धक्का दो हरिद्वार को। पूरे देश में, प्रदेश में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मिलके जो ये नोटबंदी आज से 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने की थी, आज 2 साल उसको हो गए हैं पूरे, और ये काला दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। और लोगों के बीच हम एक मैसेज लेके जा रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज से 2 साल पहले एकदम नोटबंदी अनाउंस की, और उन्होंने टीवी के माध्यम से कहा कि इस फैसले से जो है आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, काला धन ख़त्म हो जाएगा, लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों को जो पैसा, ब्लैक मनी जो जारी है वो ख़त्म हो जाएगी, और उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए कि ये जो दूसरा नोट है इसकी आराम से कॉपी बन जाती है और इसकी नकल नहीं कर सकते जो नया नोट आया है। तो हम लोगों के बीच जाना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये जो फैसला था इसने हिंदुस्तान का जो GDP है, तकरीबन 1.5 से 2% जो हमारा GDP है वो गिर गया। कम से कम 8 से 9 करोड़ लोगों का जो रोज़गार है वो ख़त्म हुआ है नोटबंदी के कारण। इसका जिम्मेवार कौन है? लोगों को घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ा है, कई लोगों की जान गई, इसका जिम्मेवार कौन है? और इस फैसले को बताया गया कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है, फिर ऊपर से 1000 रुपये के नोट थे पहले, वो 2000 के कर दिए, और 2000 का नोट तो जो है वो और ब्लैक मनी में घर में रखना ज़्यादा आसान है। तो किया क्या ये फैसला? मेरे ख्याल से एक बहुत ही गलत फैसला था। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए चंबा से ब्यूरो प्रभारी दीपक शर्मा की रिपोर्ट।